परी गाय के लिए अपनी बछड़ी बछड़ी सही है ना, मलाई और परी जैसी जो है ना आपने दो निकाली है और इंशाल्लाह उसको बकरीद के लिए तैयार इंशाल्लाह। ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, ये सारी लेडीज हैं। यहाँ पे दो जेंट्स भी हैं लेकिन वो छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, तो इसलिए आप उनको जेंट्स में डाले। छोटा नहीं सब बड़े हो रहे सारे ले रहे। अगर कलर के ऊपर बात करूं तो मुझे पहला वाला जानवर जो आप कह रहे हैं आपको वो वाला कलर हमारे खानदानी कलर, वो ऐसा कलर है कि पूरे खानदान को पसंद आ जाता है, हम वही कलर लेते हैं हमेशा। देखिए बातों से अंदाजा लगा ली जाती है, हर बात कही नहीं जाती। मजा आ रहा है ना, एक और विजिट होगा मेरे व्लॉग के साथ। चल अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल में तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, एक हमारे दोस्त आए हुए हैं और उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट बछड़ों के हवाले से और क्या कहते हैं बकरों के हवाले से दे दूँ। चारे की वीडियो जो है वो भी मैं इंशाल्लाह डाल दूँगा, अब के नहीं डल सकी क्योंकि मेहमान आए हुए थे तो उनसे थोड़ा सा मुलाकात चल रही थी और शामीर भी आया हुआ है तो जिनकी बछड़ी है वो ब्राउनी, तो मैंने पिछली दफ़ा गलत नाम ले लिया था, बबली करके तो ले लिया था लेकिन इसका नाम ब्राउनी है तो वो भी आया हुआ है। और मैं अभी फ़िलहाल बछड़ों की अपडेट देता हूँ, फिर जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ, ठीक है, और उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं हम लोग कि कैसी हमारी ये पलाई जा रही है और कैसे हमारे बछड़े और बकरे, उनसे भी एक क्या कहते हैं रिव्यू लेंगे, ठीक है। आइए पहले आप मैं अपने बछड़ों की और बकरों की आपको अपडेट दे देता हूँ। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से बछड़े तो आप देख ही रहे हैं ग्रेजुअली जैसे कसी हुए थे तब में और अब में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इसका बैक बनना शुरू हो गई है माशाल्लाह से दोबारा से, जो इसने वज़न गिराया था दोनों ने दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे आना शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक आ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में यानी कि इसी मंथ में ही इनकी क्या कहते हैं वेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पर वेट पर मंथ क्या जा रहा है, ठीक है। ये दोनों खस्सी हुए हुए थे माशाल्लाह दोबारा अपनी प्रोग्रेस पर आ चुके हैं और माशाल्लाह इसकी तो बात ही कुछ लाजवाब चल रही है, मुसलसल माशाल्लाह ये हाइट बढ़ाता जा रहा है। अब ये मेरे तकरीबन चेस्ट पे आ रहा है माशाल्लाह से और इसमें तो आपको पता है नुकरे में बहुत यानी कि कॉम्पैक्ट है वैसे तो, लेकिन भरपूर इसने गुलाइयाँ अपनी कर ली हैं माशाल्लाह से। थोड़ा एग्रेसिव तो है ही है, अभी भी बहुत हद तक कम हुआ है लेकिन अभी इसके पास भी अगर खड़ा हुआ हूँ मैं तो ये मारना शुरू हो जाता था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ये एग्रेशन इसका ख़त्म हुआ है। और ये भाई शेर चोलिस्तान नाम रखा था मैंने, रखा था तारिक भाई ने भी बोला कि शेर चोलिस्तान ही सही है, वरना इसका दूसरा नाम उन्होंने बताया था मैं उसका शेयर करूँगा इंशाल्लाह, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कि वो सही है या ये सही है, तो बताइएगा फिर आप लोग वीडियो में ही मैं बताऊंगा इसका नाम। फ़िलहाल अभी ये शेर चोलिस्तान है और ये भाई राजा माशाल्लाह से, इसकी प्रोग्रेस भी आप देख सकते हैं और इसकी भी प्रोग्रेस देख रहे हैं आप। अभी तो थोड़ा सा अपनी गोलाइयों पे आना शुरू हुआ है, वनडे का टाइम ख़त्म हुआ है माशाल्लाह से, नो डाउट झालर में नाफे में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा माशाल्लाह से। चलें उधर बछड़ियों की तरफ और बच्चों की तरफ चलते हैं, वो दिखाता हूँ। ये भाई नवाब माशाल्लाह अभी अपनी हाइट निकालना शुरू कर दी है इसने माशाल्लाह से, क्योंकि ये थोड़ा गोलाइयों में चल रहा था, अब ये थोड़ा सा और यानी कि अपनी हाइट पे फोकस कर रहा है माशाल्लाह से, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। बाकी ये मुनीब की बछड़ी, डॉक्टर साहब का बछड़ा, ये थी ब्राउनी, इसका मैंने नाम जो है
बबली बोल दिया था गलती से, अभी शामिर नहीं बोला आपने, बबली बोल दिया इसका नाम। तो ये है भाई ब्राउनी, माशाल्लाह से इसने अपनी लेंथ बहुत ज़्यादा करी और इसकी हाइट में भी बहुत इजाफा हो रहा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से। और इसकी जो कमर की चौड़ाई है माशाल्लाह से, आप ये देखें क्या चौड़ाई है माशाल्लाह, ये देख रहे हैं माशाल्लाह, फुल हमारे जो क्लाइंट्स हैं अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है, वो सेटिस्फाइड हैं हमसे और हमारी पलाई से और जो हम लोग खिला रहे हैं उससे माशाल्लाह से। ये परी माशाल्लाह, और ये मलाई माशाल्लाह से, बहुत बहुत दोनों ने यानी कि वेट इसने काफ़ी ज़्यादा किया है, यह अभी थोड़ी स्लो है लेकिन इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी माशाल्लाह से। तो आइए बकरों की तरफ चलते हैं, बछड़ों का रिव्यू दे दिया। अच्छा तो हम लोग बकरियों की तरफ आ गए, इनमें थोड़े बच्चे दिखेंगे आपको, तो बस जब दिखें जब माशाल्लाह कह के इग्नोर मारिएगा माशाल्लाह। इसने भी बच्चा दिया है अभी माशाल्लाह, अच्छा बच्चा दिया है, थोड़ा टापरों में आया लेकिन बड़ा अच्छा बच्चा दिया। इसकी मैंने एक पूरी स्टोरी बनाई है इंशाल्लाह ताला, वो डालूँगा इंशाल्लाह। बाकी इसने बच्चे दिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रह पाए, इसने अभी एक बच्चा दिया है। तो ये सीन है, बाकी बकरियों ने इसने भी अभी बच्चा दिया है, इसका भी बच्चा जो सर्वाइव नहीं कर पाया, इसका बच्चा ये देख सकते हैं आप लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। तो आइए बकरों की तरफ चलते हैं, इसका जो बच्चा है वो ये है माशाल्लाह से, अब मैं इसको दिखा सकता हूँ, इसकी बच्ची है ये, और इन दोनों पे इंशाल्लाह मैं एक स्टोरी है वो इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों से माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आज छोटे बकरों की तरफ चलते हैं। अच्छा तो अब आ गए हम लोग थोड़े छोटे बकरों की शेड में, और माशाल्लाह अभी खाना पीना इनका चल ही रहा है, और काफ़ी कमज़ोर हुए थे लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी हालत बहुत थोड़ी नाजुक थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये वापस रिकवरी पे आ रहे हैं। और ये कुछ बकरे उस तरफ थे जिनका घी नहीं चल रहा था, यानी कि उनको ज़्यादा हज़म नहीं हो पा रहा था, जिसमें एक ये राजनपुरी है और एक और बकरा है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था घी, जो कि बड़े बकरों में दले हुए थे, लेकिन इनको छोटे बकरों में इतना घी नहीं दलता। तो एक ये बकरा था और एक ये अंदर है सईद भाई का, ये इम्यून सिस्टम इनका थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था घी पीने के बाद, लेकिन अब 2 से 4 दिन हो गए यहाँ पर, इंशाल्लाह ताला अब फ़र्क महसूस होगा, रिकवरी पे आएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह से। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक सारे बकरे बेहतर हैं, बाकी दुम्बा भी अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, हालांकि ये बड़ा हो गया, अब ये कंटिन्यू इस तरफ चला जाएगा बड़े बकरों में। आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। तो मैं बड़े बकरों के शेड में आ गया हूँ, कुछ छोटे बकरे थे जो कि बड़े हो गए थे उस तरफ, वो इस तरफ आना शुरू हो गए, जैसे कि एक ये है, एक ये है इरफान भाई का माशाल्लाह। ये आते ही गेट पे हमारा स्वागत करते हैं माशाल्लाह से। ये हमज़ा के दुम्बे माशाल्लाह से बहुत अच्छे चल रहे हैं, और ये खजला तो माशाल्लाह से बहुत ही आउटस्टैंडिंग चल रहा है। बाकी ये हमारा ब्रीडर, सारे दुम्बे अंदर रह गए, ये हुनैस का है, अगर किसी भाई को लेना है हुनैस का इरादा है इसको सेल करने का, तो अगर किसी को लेना है तो मुझसे रब्ता कर सकता है, ये वाले दुम्बे का, ये जो है ना इस वाले दुम्बे को अगर लेना है तो इंशाल्लाह रब्ता कर ले,
फिर मैं आपसे डिमांड पूछ के आपको बता दूँ। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बकरे सारे ही जो क्या कहते हैं बड़े कंपाउंड में हैं वो सारे ही एक्टिव और बिल्कुल सेहतमंद है। इस वाले की बात कर रहा हूँ खजली की, माशाल्लाह से। ये आसिफ भाई बहुत यानी कि काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है ये माशाल्लाह से। इसने पेट वेट निकालना शुरू किया है, खाने पीने में बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन वही बात है लगता नहीं था इससे, खाता पीता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसका घी भी चल रहा है, इंशाल्लाह ताला बेहतर बेहतरी पे होगा। ये अजरक मुनीब भाई का माशाल्लाह ये भी शुरू से चल रहा है हमारे पास और बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। इसने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, ये छोटे बकरों में था लेकिन अब इधर आ चुका है माशाल्लाह से। देखें माशाल्लाह। चलें आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता और हमारे मेहमान जो हैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ। अभी मान का इंटरव्यू ले रहा है तो मान के साथ ही कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है भाई, जज़ाकअल्लाह। कराना चाहूँगा मेरे राजा को ना, ये मेरा अपना जाती मतलब मैंने बिल्कुल छोटा 4 महीने का बच्चा दिया था, अभी 10 से 11 महीने से मेरे पास है ये बच्चा। तो इसका रिव्यू दें कैसा चल रहा है ये, अभी समझ में 14-15 महीने इसकी एज है। ये साहिवाल नस्ल का? साहिवाल। अरे भाई तुम्हें तो ये तो पहचान है फुल, तुम्हारे वाले साथ में सही बता रहा हूँ यार। माशाल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर से बचाए। आमीन। और ये जो दे रहे हैं ना शेप, मेरा इसका इरादा है 2023 तक के पालने का, मतलब अभी मैंने इस 22 में अगर ये हो भी जाता है लेकिन मैंने इरादा नहीं किया। असल चीज़ देखें जानवर में खूबसूरती की होती है, आप तो खैर पाल रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उसका चेहरे पे जो सीम होते हैं जी 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 ये होती है एक, तो ये खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये पीछे की गोलाई ये वाली चीज देख के हम जानवर देखते हैं। और ये झालर लेकिन मैंने मेरे पास मैं तो जब छोटा सा लाया था ना, यानी ये बिल्कुल इसके नाप झालर बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी थी। और मैं अभी बाद में लूँगा ठीक है। और तो बाकी है कि भाई ये तो मेरा शुरू से मैं पालम पीछे ही बच्चे को दिखाता हूँ, ये अभी रिसेंटली आया है हमारे फार्म पे और इसका नाम राजा रखा है भाई। ये फार्म का सबसे पहला, जब हमने कैटल की तरफ जाने का स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहला ये बच्चा हमारा ये फार्म पे इसकी बरकत से और आगे बढ़ता है। माशाल्लाह से राजा तो है लेकिन इसके दिल की बात करो रानी की तरह, रानी पीछे खड़ी है, पीछे साथ तकरीबन पली है पहले तो। बाकी ये बछड़े हैं 24 महीने में, रिसेंटली हमारे पलाई पर हमारे पास भाई ने रखवाया है और इसको 1 महीना आई थिंक अब होने वाला, हाँ 1 महीना होने वाला है। और अभी भी एक गेना हो सकता है आपके सामने एक आ जाएगा पलाई पे आने वाला है, बस वो हो सकता है रास्ते में। ये भाई आपको कौन सा कलर पसंद है गाय में? यार जितना अच्छा प्रिंट होता है ना, याद है मनी भाई आप आए थे मेरे पास, बिल्कुल माशाल्लाह वो जो जैसा प्रिंट है उधर, बिल्कुल बिल्कुल बाइट एंड जितना ज्यादा प्रिंटिंग उसको चीजें होंगी वो सजाएगा यार पंजाब साइड साहिवाल। और प्रिंट की तरफ लेके चलता हूँ, आ जाए जरा पीछे की तरफ प्रिंट आपको दिख रही है। ये हमारे पास अच्छा आपको सेहत है कैसी लग रही है मछलियों के हवाले से, अगर आप पलाई के अगर कुछ रिव्यू अपना देना चाहेंगे भाई? हाँ भाई रिकमेंडेशन होती है ना देख के जानवर पलने के यार, माशाल्लाह देख के अंदाजा हो जाता है बिल्कुल भी हड्डियाँ शड्डियाँ नजर नहीं आ रही, माशाल्लाह खिलाई पिलाई टाइट चल रही है तभी तो ये बड़े बड़े। आपका क्या कहना है भाई? भाई मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि जानवर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। जिस तरीके के जानवर हम लोग लेकर आते हैं पर्सनली, हम लोग ढूंढ रहे होते हैं जानवरों की गुलाई हो पीछे और भरे हुए जानवर हो, और बहुत सारे लोग होते हैं लेंडे पेंडे जानवर भी लाते हैं लेकिन उनकी अपनी वो होती है जितनी सदा, लेकिन अपने लिए जो देखते हैं ना वैसे ही नजर आ रहे हैं, वैसे ही नजर आ रहे हैं जो बात है सारे ले रहे। अगर कलर के ऊपर बात करूं तो वो जो पहला वाला जानवर जो आप कह रहे हैं आपको वो वाला कलर हमारे खानदानी कलर, वो ऐसा कलर है कि पूरे खानदान को पसंद आ जाता है, हम वही कलर लेते हैं हमेशा। चले जी आ जाए थोड़ा खूबसूरती की तरफ चलते हैं, मछलियाँ मतलब लेडीज ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं लेडीज हैं ये सारी लेडीज हैं। यहाँ पे 2 जेंट्स भी हैं लेकिन वो छोटे छोटे हैं वो बच्चे हैं तो इसलिए आप उनको जेंट्स में डाले थोड़ी वाली आज कोई भी छोटा नहीं सब बड़े हो रहे हैं। तो भाई ये बछड़ी है इसका नाम मलाई है और हमारे पास 2.5 महीने ये अभी रिसेंटली आई है, इसके पीछे इत्तेफाकन बिल्कुल सेम इसकी डिटो का भी है वो मेरे पास 10 महीने से माशाल्लाह।
तो आप आए जरा इस तरफ, अगर कंफर्टेबल हो अंदर जाने में। जोड़ी है ये, इत्तेफाकन जोड़ी है, बन गई है इसकी, इत्तेफाकन जोड़ी, क्योंकि ये अभी मेरे पास अभी आई है, सही 2.5 महीने हो गए इसको, और ये मेरे पास 10 महीने। ये इनका कोई वाकया हो गया किसी मेले में, बाकी ये शामिर जो लड़का ये जो मिला है इसकी बछड़ी ये पलने के लिए ये भी आई हुई है, ये इसका ब्राउन नाम है। अच्छा पालते भी हैं यहाँ पे? ये पलाई पर था मैं, अच्छा जाती जो मैंने बताया ना ब्राउन वाला बछड़ा वो मेरा जाती है। यार ऐसी कोई चीज हो तो हमें भी बताना यार, हमें अपने जमजम के लिए लेनी है। अच्छा हमारा जो जमजम है ना उसके लिए लेनी है। अच्छा हम अपने लिए नहीं सोचते भाई, कैसी लगी आपको? भाई भी शानदार है माशाल्लाह, और बाकी जो आसपास जितने जानवर हैं सभी शानदार है, इसका भी बहुत खूबसूरत है, लेंथ है यार माशाल्लाह। अच्छा शामिर जो है ना वो तकरीबन 4 महीने हो गए शामिर इसको आ गए, तो शामिर लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई है, ये लोग तो खैर हर अच्छा। इसका क्या नाम है? इसका मलाई नाम है। ये परी है, परी और मलाई चार चटनी कराते हैं। बाकी जो है वो बछड़े छोटे बच्चे वो बिल्कुल छोटे छोटे से पलने आखिर के जो हुए और 4-6 लोग हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वो भी चल रहा है। आप अब आपने बताने पहले कैसे मुझे बताएं सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आया? यार एक तो आपका माशाल्लाह से राजा और एक मलाई मलाई, ये तो नंबर वन पे है, इन दोनों की टक्कर है। बहुत शुक्रिया, सही है भाई। उसके बाद फिर बाकी सबके नंबर। लेकिन यार मुझे मुझे भी पर्सनली राजा और मलाई और ये परी परी बस खत्म है। ठीक है जी, खूबसूरती जो है बिल्कुल बिल्कुल इनकी सबसे ज्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मलाई के हवाले से इनका रिव्यू क्या, बछड़ियों में रिव्यू कैसा? बछड़ों में तो आपने बोला A1 यार, A1 मशहूर। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। अच्छा इनकी वैक्सीनेशन वगैरह बिल्कुल प्रॉपर वैक्सीन होती है मेरे पास मेरे चैनल पे। मैंने अभी इनकी अभी लोग खोल की वैक्सीन करा के अभी वीडियो भी अपलोड की है, सारी डिटेल उसमें देता हूँ मैं। कोशिश ये होती है इनको भी चले जाए और ये भी बदल जाए, हाँ भाई हमने अपने वैक्सीन करवा के रख रहे हैं। और रिसेंटली मैंने खाल की वैक्सीन में खुद कर लेता हूँ, तो वो मैंने खुद भी की थी। अच्छा ये जो कीड़े लग जाते हैं जी, चीचुड़ होते क्या होते हैं? चीचड़ की वैसे ही लगती है, किसी में नहीं मिला है। उसकी वजह क्या होती है चीचुड़ की? कीचड़ की गंदगी खाल में जब वो बैक्टीरिया वगैरह बैठते रहता है या नीचे जो है गोबर वगैरह जैसे होता है, चूना वगैरह ना डाले बंदा, तो ये चीजें आ जाती हैं। और उनके खाल के अंदर वैक्सीन अगर ना हो ना तो ये तो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। सही। अच्छा उनको निकालने के लिए फिर क्या करें? उनको सिंपल पहले तो ये है कि अपने वैक्सीन अगर करवाते रहे रेगुलर तो वो खुद ही झड़ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है खून उनका हो जाता है कड़वा, तो जानवर खुद ही झड़ जाते हैं। किसी को नहीं मिलेगा, हम लोग इनको नहीं करते, उनकी जो खाल में जो लचक है ना वो भी आती है, वो पहले हाथ से हटाए इसे दोबारा भी हुआ, लेकिन खाल की जब वैक्सीन प्रॉपर होती गई तो वो माशाल्लाह से जबरदस्त। तो इनकी वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही। भाई ये डन हो गया ये बात और मेरा? नहीं नहीं देखें बातों से अंदाजा लगा ली जाती है, हर बात कही नहीं जाती। नहीं नहीं ठीक है इंशाल्लाह डन है, बाकी दुआ करें इंशाल्लाह प्रॉपर। थोड़ा सा काम अभी इतना प्रॉपर नहीं है जितना होना चाहिए वैसे तो। नहीं नहीं अभी जितना है इंशाल्लाह और प्रॉपर हो जाएगा। देखिए पहले आपने एक से शुरुआत की ना, फिर ये इतना सारा है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सब हो जाएगा। यही एक है यहाँ पे, ये रिसेंटली मैं शिफ्ट हुआ था यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह बनाया प्रॉपर वहाँ पे थोड़ा सा, वो मैंने देखी थी जी जी वीडियो भी। हाँ आपने उसी पे मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि अब जो है ना मैं आना चाह रहा हूँ, तो मुझे मुझे अच्छी तरीके से याद है कैसी लगी थी वो। वैसे बहुत ज्यादा ना एंजॉय हुआ, लोगों ने लगा कि वो वहीं पर ही मौजूद है, तो मैं इसी बारे में बनाई थी पूरी प्रॉपर वीडियो बना के आपने डाली है, उसमें हर चीज दिखाई थी आपने। हाँ वो बहुत मुश्किल हुआ था, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी और पैदल लेकर आना था सारे जानवर को, खैर लेकिन पे ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह मिला कि उसको बहुत सराहा, लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे खुशी ये भी है कि आपने भी दी थी अच्छी। भाई मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा पे ऑफ वाली, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, तो बस पे ऑफ तो वैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, शौक तो वैसे ही था, तो वो इस वजह से जो है ना उसको करने में कोई मुश्किल नहीं। चाय कैसी लगी बाकी? चाय बेची है, चाय अच्छी, कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन गया, समोसा चाय। सही सही, चले आप इंजॉय करें। और बाकी ये कि मैं आपको थोड़ा सा बकरों की तरफ चलने को थोड़ा सा आप बात भाई का तो हो गया रिव्यू, आपके आपसे जो है ना रिव्यू लेते थे का काम तो मैं कर भी चुका हूं। हां मैं वो इतना प्रॉपर नहीं किया था जितना प्रॉपर होना चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट टाइम का आपका इरादा है? यार बिल्कुल है इरादा, और लेकिन उसको प्रॉपर वे में जगह का जरा प्रॉपर। मैं आपको बता देता हूं यहां पे मैंने फीमेल छोड़ी भी सारी, उनके बच्चे हैं यहां पे ये हो गए, और ये पार्टीशन सारा फीमेल्स का है, सर्दी भी ऐसे मैंने गार्डन लगा दिए वहाँ पे पर्दे वगैरह अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह शेड है, हवा वगैरह पीछे की तरफ भी दीवार है, साइड में भी दीवार है, तो हवा वगैरह नहीं जाती, तो
तो अलहमदिल्ला बहुत बेहतर मामला चल रहा है इनका बकरियों का नस्बतन पिछले साल के मेरे। तो बाकी यहाँ पे जो है छोटे बकरे, ये खुल गया भाई इसको बंद करवा दो, ये खुल गया अभी फिर। नहीं नहीं वो वैसे नहीं फ्रेंडली ये बनाया है इसको, इतना वैसा नहीं, जैसे वो टकरे मार रहा था ना वैसा नहीं रहता कभी कभार, लेकिन पंगा करो तो जो है ना ये अच्छा। मुझे इसका है ना वो सीन याद आ गया जब आपको बछड़ा खुल गया था, नहीं वो एक बछड़ी खुली थी सॉरी किसी और की, वो जो है ना फिर पकड़ के भाई चल रहे उसके बाद तक लाइफ थी मिस हो गया, जिसमें वीडियो होती तो बहुत मज़ा आया था उसमें, लेकिन ये है कि खैर बड़ा मज़ा आया था। यहाँ पे जो है छोटे जो बच्चे हैं जो जो बिल्कुल 4-5-6-7 महीने के, तो ये है रखे हुए छोटे पार्टी सब, बाकी यहाँ पे बड़े बकरे जो है ये रेडिश नहीं ये बांस का कलर है, कलर है ये हमारे पास इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी ये कुछ आए बड़े आए। तो कैसे बकरों का कैसे रिव्यू करेंगे अच्छा, वो हमने ब्रीडर वो हमारे जो डॉमिन वाइट है हमारा जो सर वो हमारा टेडी का ब्रीडर है, ये हमारा गुलाबी का ब्रीडर जो अभी बाहर निकला जाता है पर्पज के लिए भी रखे। इसके बच्चे कहाँ हैं ये वाले? इसका रिसेंटली बच्ची हुई है, मैंने वीडियो में भी दिखाई, मैं आपको वैसे दिखा दूँ सर बाइकिंग खुल्ली के नीचे बैठी है, मैं आपको दिखाता हूँ वो असल में बहुत बहुत छोटी है इस वजह से नज़र, तो अभी जो है ना मैंने अभी तक दिखाई नहीं, अच्छा मैं आपको दिखा दूँ। तो बाकी कैसा रिव्यू के दे रहा है माशाल्लाह, ये भी A1 और तादाद भी अच्छी है और तादाद इस दफा वैसे कम है। जी जी कम की है हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं पिछले साल मेरे 130 प्लस तक पलाई पे आए थे, क्योंकि मेरा बकरों का सेटअप ज़्यादा था और बछड़ों का मैं रन कर रहा था, लेकिन मैं पलाई और मतलब खोली नहीं थी, और ये किया था कि जैसे टेस्ट रन चल रहा है मेरा, इस वजह से जो है ना वो फिर ये हुआ कि मैंने जब बछड़ों के ऊपर आने का सोचा वैसे ही था, तो वो हुआ कि मैंने हाफ ऑफ कर दिया, इस वजह से ये भी हाफ यानी 60 तक हैंगे और ये ऑफ है पर यहाँ पे बकरों की अब मतलब मजीद नहीं रखूँगा, तो ये यहाँ पे चला गया, असल में ये यहाँ का है इस वजह से जो है ये तभी वहाँ पे मार भी रहा है, तो वहाँ पे जो है ना ये यहाँ पिटेगा ना मर्दों में आ गया ना बड़े मर्दों आ गया बड़े लड़कों में आ गया बड़े लड़कों ये है। नहीं यार माशाल्लाह ओवरऑल बकरों बहुत खूबसूरत और आपने प्रॉपर कैटेगराइज किया हुआ है, ये चीज़ मुझे भी एक्सपीरियंस मिला देख लेना, ये बच्चे अलग हुए हुए और बल्कि फीमेल्स अलग हुए अलग हुए हैं और ये मर्द हजरात अलग बड़े मर्द ये भी सही है, हमें भी एक्सपीरियंस मिला ये असल में इससे फ़ायदा ये होता है कि इनका चारे के टाइम पे जब ना ये एक दूसरे से अगर लड़ते हैं तो एक बराबरी वाले होते हैं, एक दूसरे की मार टक्कर वगैरह सह लेते हैं, तो वो देखें ना वो उधर देखें वो दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में तो वो सह लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच, आपने भी फार्म विजिट करवाया तो करना ही था, एक और विजिट होगा मेरे व्लॉग के साथ। चल सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी शाम की चाय, शाम भी यहाँ की काफ़ी हसीन है, ये है कि फार्म का और चाय बनाई किसने, आपने बनाई जबरदस्त चाय बनाई है सर भाई, जो है ना माशाल्लाह से ये भी बहुत वायरल चल रहे हैं आजकल, हाँ हॉट टॉपिक चलते हैं भाई मेरे चैनल पर, नसर भाई को दिखाएं आप उन्होंने क्या किया, नसर भाई ये क्या बकरे को टक्कर मारी क्या आपने सर पे कट लगा भाई के, तो अच्छा अच्छा सही है भाई, बहुत अच्छा लगा ये बात भाई आपसे, फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई फैशन भाई से, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप आए खिदमत, अरे कोई मसला नहीं है आप आते ही रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह बन जाए तो जो है ना अच्छा है, तो ठीक है गांव में याद रखिए, अगर कुछ बात अलग से कहना चाहें अलग से कोई बात भाई, अलग से एक ही बात है कि मेरे लिए भी अब आपने एक अच्छी सी सिर्फ अपने परी सिर्फ अपने आगे बताऊंगा ना, अच्छा अच्छा सही एक मेरे लिए होने के बाद ऐसा करना है परी गाय के लिए अपने अपने बछड़ी बछड़ी सही है ना, मलाई और परी जैसी जो है ना आपने दो निकाली है और इंशाल्लाह उसको बकरीद के लिए तैयार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी आए, खैर मैं तो बात नहीं कर सका क्योंकि मानी की वीडियो चल रही थी तो मैंने उसी में ही कंटिन्यू करा ये फार्म की अपडेट और क्या कहते हैं कैसे चल रहे हैं हमारे जानवर, बड़े जानवर छोटे जानवर, तो
उन्होंने दिया हमें, फैसल भाई ने और इबाद भाई ने रिव्यू। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी ये लोग आते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और किसी को अगर पलाई के हवाले से कोई मालूमात करनी है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखें और ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।